एक अन्याय के ऊपर दूसरा अन्याय, दूसरे अन्याय के ऊपर तीसरा अन्याय, तीसरे अन्याय के ऊपर चौथा अन्याय, और ये एक परिवार पर अन्याय, ये देश के लाखों परिवार पर अन्याय है। सरकार को परिवार की रक्षा करनी चाहिए, उल्टा सरकार इनको धमका रही, इनको डरा रही। इन्होंने कोई गलती नहीं की है, अपराधी कोई और है, और इनको धमकाया जा रहा है। आज के हिंदुस्तान में दलितों को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने का हक नहीं है। मैं यह मैसेज देने आया हूँ कि इसको हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। सर अंतिम जनता आपको जाने दिया वहाँ पे? नहीं सर, ये हमें यहीं रुका लिया था। यहाँ क्यों रुका आपको? सर वो जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दिया पुलिस ने। कारण क्या दिया? क्यों क्या हमने दिखाने गए थे? हटो हटो साइड हटो। अरे बता, 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 बता। जैसे कि डेड बॉडी वहाँ से लाई तो हमें बिना बताए अस्पताल से ले आए। ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो? इसलिए रखा था हमारी आवाज उठे, दिल्ली के अंदर हमारी आवाज इतनी उठी है कि आज हम यहाँ तक हैं, वरना हमारी आवाज अगर सुनने वाला नहीं। डीएम ने आपको क्या धमकी दी? डीएम धमकी दे रहे हैं कि मतलब आप लोग बयान नहीं दे रहे। पापा जी हमारे घर की सबसे कमजोर कड़ी हैं, उन्हें पकड़ लिया हमने कि आप पेरेंट्स से बात करने दो, आप लोग नहीं बोलो। वो नहीं डेड वोड जो लाए थे वो डेड वोड है बहन की थी या नहीं, ये भी नहीं पता। सर आपने देखा नहीं? सर चेहरा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पूरा देश देख रहे। तो मेरा लक्ष्य आने का यही था, मुझे मालूम है कि आप यहाँ आ गए और आपके साथ ऐसे बैठ गए, आपको कोई नहीं छूता, ठीक है? तो आपको आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब बात है आपके साथ अन्याय हुआ, एक बार नहीं दो बार। अब उस अन्याय के लिए आपको जस्टिस, वो उसमें हम आपकी पूरी मदद करते। मेरी बहन का कहना है जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं, जो भी आप हमसे चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। हम आपको कष्ट नहीं बताना चाहते, ठीक है? मगर मेरा सुझाव है कि आपका और इस घर से आपको कोई नहीं हिला हिला सकता। अगर वो आपको हिलाने की कोशिश करेंगे मैं यहाँ आपके आपके साथ बैठ, ठीक है? कोई नहीं हिलाएगा आपको अपने घर। ये आपकी जमीन है या आपका है, ये उनका नहीं है। कोई भी शक्ति आपको वतन मेरे वतन। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। परिवार ने हमें यह भी कहा है कि इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाए गए हैं। योगी जी को समझना चाहिए कि वो धमका कर जो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके इस परिवार की आवाज को कोई नहीं शक्ति, कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये एक परिवार की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता है। धन्यवाद। आबाद रही तू।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।